तो टीचर्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बताना है हमें। जब भी हाइब्रिडाइजेशन गिवन हो इस तरीके से तो आप लोग एक चीज समझना कि परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है ना, परसेंटेज एस कैरेक्टर जब ये इंक्रीज होता है, जब भी परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बॉन्ड लेंथ के। तो जिसका जितना ज्यादा परसेंटेज है उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ, और जितना कम परसेंटेज है उतनी ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ। तो अगर मैं एसपी एसपी टू एसपी थ्री में बात करूं तो यहां पे 25% होता है परसेंटेजेस, ठीक है ना। देर आर फोर ऑर्बिटल्स और फोर ऑर्बिटल्स में एस कितना है, एक है, तीन पी है, तो कितना होगा ये 75 हो गया, तो ये 25 हो गया। इसको देखोगे तो देर इज 33.33% और यहाँ पे 50%। तो जितना ज्यादा परसेंटेज है उतनी कम बॉन्ड लेंथ। तो हमको क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना ना, हैज बीन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ, है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल की लेंथ। तो यहाँ पे ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, जितना कम परसेंटेज है उतनी ज्यादा ऑर्बिटल की लेंथ। कैसे होगा ये एक और बार मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। जितना कम परसेंटेज एस होगा उतना ही ज्यादा वो जो ऑर्बिटल होगा वो दूर होगा किसी भी एटम से। परसेंटेज एस कब काउंट करते हैं, जो ये मेरा सेंट्रल एटम है, अगर इस सेंट्रल एटम के पास में है कोई ऑर्बिटल या लोन पेयर आता है तो उसका परसेंटेज एस ज्यादा होता है, और अगर वो उससे दूर आता है तो उसका परसेंटेज एस कम होता है, ठीक है। अगर सेंट्रल एटम के पास में ऑर्बिटल है तो उसका परसेंटेज एस ज्यादा होगा, और वो अगर उससे दूर है तो उसका परसेंटेज एस उतना ही कम होगा, और जितना कम परसेंटेज एस होगा उतनी ज्यादा इसकी डिस्टेंस रहेगी, है ना, वाइस वर्सा इस तरीके से बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर वन आंसर हो जाएगा, ठीक है।